नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं MPS इन्फोटेक्निक्स या विशेष इन्फोटेक्निक स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो लगातार जो दोस्तों उतार चढ़ाव तो देखने को मिले। मार्केट आज दोस्तों क्लोज रहा है विजयदशमी की वजह से, और सबसे पहले दोस्तों आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी के टाइम दोस्तों बात की जाए मार्केट की, तो मार्केट में देखा जाए तो दोस्तों लास्ट ट्रेड पर उतार चढ़ाव तो देखने को मिले, पर 50 पैसे पर क्लोजिंग देखने को मिली। और कमेंट्स ये देखने को मिल रहे कि कंपनी का क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिल सकता है, वो टारगेट क्या हो सकते हैं, कंपनी आगे से चलकर डिलिस्ट तो यहाँ पे नहीं हो जाएगी, क्या फंडामेंटल रहने वाला है। अगर दोस्तों देखा जाए तो कंपनी में जो उतार चढ़ाव है वो काफ़ी अंतर्जनात्मक देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम जो इस प्रकार डेटा यहाँ पे निकल के आ रहा है कि कंपनी में दोस्तों लगातार जो है मार्केट कैप में गिरावट यहाँ पे नजर आई है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के दोस्तों आंतरिक सेगमेंट पर भी दोस्तों बड़ी जो गिरावट थी वो भी यहाँ पे देखने को नजर आई। अब इस बीच देखने को मिला तो दोस्तों कंपनी के पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स का डेटा अगर देखा जाए तो उस पर भी बड़ी नेगेटिविटी नजर आ रही है। अब साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो सेकेंड सबसे बड़ा जो रीज़न यहाँ पर रहने वाला है वो ये देखने को मिल रहा है कि जब से दोस्तों यहाँ पे इसराइल हमास वार यहाँ पे छुड़ा है दोस्तों, जब से दोस्तों यहाँ पे जो है स्टार्ट हुआ है उसके बाद देखा जाए तो लगातार मार्केट पर गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों कल लास्ट मार्केट की अगर मैं बात दोस्तों गिरावट की अगर लॉस की बात करना तो 7.66 लाख करोड़ का, जी हाँ दोस्तों 7.66 लाख करोड़ का जो है कल का लास्ट मार्केट पर लॉस यहाँ पे हुआ था इंडियन मार्केट के ऊपर। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट पर अभी टाइम इस चीज़ का जो असर है वो किस प्रकार देखने को नजर आ रहा है। और अभी टाइम दोस्तों जिस प्रकार एक्सपर्ट की राय देखने को मिल रही है, मानना यह है कि अभी तक जो वॉर है वो आगे चलकर बढ़ सकता है। अगर आगे बढ़ता है तो मार्केट पर जो है बड़ी गिरावट और आगे चलकर देखने को नजर आ सकती है, और इन चीज़ का जो असर है छोटे पैनी स्टॉक पर ज़्यादा देखने को नजर आ सकता है। बड़े पर तो दोस्तों देखने को ऑलरेडी मिल ही रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा कोई शेयर नहीं है दोस्तों जिस पर अभी के टाइम गिरावट नहीं देखने को मिल रही हो। अभी के टाइम देखा जाए दोस्तों MPS इन्फोटेक्निक्स की अगर बात की जाए तो कंपनी में उतार चढ़ाव तो देखने को मिले, पर लास्ट अगर 6 महीने की अगर बात की जाए तो उसमें दोस्तों जो आज जो लास्ट टाइम जो लास्ट टाइम क्लोजिंग पर जो तेजी नजर आई थी वो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों जितने यहाँ पे गिरावट आई उतनी तेजी भी यहाँ पे देखने को मिली। तो दोस्तों कुछ ज़्यादा जो डेटा है वो पॉजिटिव निकल के नहीं आ रहा है, और अभी के टाइम देखा जाए तो मार्केट में दोस्तों गिरावट का जो दौर है वो आगे चलकर बढ़ सकता है। अगर MPS इन्फोटेक्निक्स की अगर बात की जाए तो दोस्तों कंपनी आगे चलकर बड़ी गिरावट आप लोग को दिखा सकती है। शायद अगर देखा जाए तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर कंपनी डिलिस्ट होने का जो खतरा है वो दोस्तों सच में यहाँ पे मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी को पिछले 2 से 3 साल से देखा जाए तो कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं मिला है, और इसी प्रोजेक्ट ना मिलने के चक्कर में दोस्तों कंपनी जो है कभी भी यहाँ पे क्लोज हो सकती है। यही सबसे बड़ी वजह यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों जब से कोविड के बाद यहाँ पे जो मार्केट में तेजी आई थी उसके बाद मार्केट में कंटिन्यूसली लोअर सर्किट यहाँ पे बढ़ा, और उसी लोअर सर्किट के बाद अगर देखा जाए तो मार्केट दोस्तों जो है लगातार गिरावट की तरफ बढ़ा, और कंपनी अगर देखा जाए तो डिसकंटिन्यू होने की कगार पर ऑलरेडी आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी कंपनी के ऊपर कर्ज तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, पर अभी के टाइम कंपनी में देखा जाए तो सेल्स की ग्रोथ प्रॉफिट की ग्रोथ देखा जाए तो वो भी काफ़ी नेगेटिव रहने वाली है। और मैक्सिमम टाइम का डेटा अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो कीमत है वो 21 रुपये 26 पैसे तक देखने को मिल रही है, पर वर्तमान प्राइस देखा जाए तो 50 पैसे पर ऑलरेडी फिर से मार्केट आ चुका है। तो बिना किसी चीज़ के दोस्तों अभी टाइम आप लोग को बाय करने की आवश्यकता है नहीं। फिलहाल मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करने वाला कि फिलहाल आप बाय करें और होल्ड रखें, क्योंकि दोस्तों अब जब तक आप लोग का पैसा रिकवर होता है दोस्तों उसी दिन आप मार्केट को यहाँ पे क्विट करके एग्जिट करके निकल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कंपनी आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कर सकती है। किसी अदर अन्य स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें तो आप लोग को बेटर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों लगातार अगर देखा जाए पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट अगर देखा जाए तो उसमें भी दोस्तों जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव जा सकता है। दोस्तों लास्ट पिछले 4 क्वार्टर्स का डेटा अगर देखा जाए तो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो दोस्तों कंपनी में रेवेन्यू में दोस्तों जो है अच्छी खासी पॉजिटिविटी नजर आई थी। नेट इनकम पर गिरावट देखने को मिली, वर्तमान में नेट इनकम सुधार पर देखने को नजर आया, पर EPS रेट पर कोई असर नहीं रहा। पर नेट प्रॉफिट मार्जिन में दोस्तों गिरावट देखने को मिली, फिर से नेट प्रॉफिट मार्जिन गिरता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ ऑपरेटिंग इनकम की बात की जाए तो उसमें लॉस का जो सामना था वो करना पड़ा था 95 लाख का, पर वर्तमान में देखा जाए तो फिर से सुधार नजर आ रहा है। अब रही बात दोस्तों क्वार्टर 2 के रिजल्ट के आने की, तो दोस्तों अब तक जो है कंपनी की तरफ से कोई अपडेट यहाँ पे जारी नहीं हुई है। जहाँ तक देखने को मिल रहा है कंपनी का जो डेटा है दोस्तों इस महीने तो दोस्तों आप लोग को रिजल्ट नहीं आने वाला, पर नवंबर के फर्स्ट वीक में कंपनी का जो डेटा है जहाँ तक है उम्मीद है, पर अभी टाइम डेटा जो है काफ़ी नेगेटिव देखने को नजर आ सकता है। अगर नेगेटिव भी नहीं आएगा दोस्तों क्वार्टर 1 के मुकाबले क्वार्टर 2 का जो डेटा है वो बराबर देखने को नजर आएगा, कुछ ज़्यादा तेजी यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली। क्योंकि दोस्तों टारगेट्स की अगर बात की जाए तो दोस्तों मैं आप लोग को टारगेट्स की अगर प्राइस बताऊँ तो टारगेट्स की जो प्राइस यहाँ पर रहने वाली है 55 से 60 पैसे के बीच की रहने वाली है। अगर देखा
जाए तो ज़्यादातर मार्केट गिरावट के चांसेज यहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो डेटा है वो काफ़ी नेगेटिव जाता हुआ नजर आ सकता है। और लास्ट मार्च से 2023 का डेटा अगर देखा जाए तो उस पर भी जो है दोस्तों काफ़ी जो पॉजिटिव डेटा निकल के आया था, वर्तमान में अगर देखा जाए तो गिरावट काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को सतर्क रहने की, सावधान रहने की आवश्यकता है। फिलहाल आपकी नज़र में शेयर की और कोई भी ऐसी जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेन स्टॉक हो तो जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करिए आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।